इस रिवर का नाम है योग नदी, योग नदी। गर्मी लग रही थी, बहुत परेशान हो गए। अच्छा, पैर रखते ही ऐसे जाता है, ऐसे जा रहा है। अच्छा, देखिए ज्यादा अंदर मत जाना, मैं बिल्कुल ही नहीं बचा पाऊंगा। दोस्तों आज हम आ गए योग नदी पर, देखिए कितनी सुंदर सी प्यारी सी रिवर है। चलो आपका काम वाम सही चल रहा है? हाँ, चलो अच्छा। वो भाग गई, कुछ और भी सामान है इधर से आ चुका है। क्या चीज है? खोबरा। रात में ये देखिए कितना सुंदर लगता है। ये देखिए चॉकलेट की लेके आई है। वाह, स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों महाराष्ट्र में सनी सिंगनापुर से आते समय हमें एक नदी मिली है, रिवर, जिसका नाम है योग रिवर, यानी कि योग नदी। पहले भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाया पर इस बार ना पानी बहुत भरा हुआ है, तो कोशिश करते हैं जाने की। चल निकल, दिखाते हैं, भाग करके आए ऑटो खड़ा करके। पहले तो हमने पार किया था, अब तो पानी बहुत है। चलिए अपना ऑटो उधर चल रहे हैं। हाँ इधर ये देखिए, इसके अंदर चलते हैं और एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मकान वगैरह भी बने हुए हैं और बहुत सुंदर है। यहाँ पर कपड़े वपड़े धोते हैं। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी यहाँ की, तो हमने सोचा एक बार रुकेंगे और आपको वो योग रिवर ज़रूर दिखाऊंगा मैं। नदी है, हाँ आवाज़ आ रही होगी आपको, ये देखिए है ना। थोड़ा नज़दीक लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का नज़ारा, कैसे लोग, बहुत ही अच्छे लोग थे ये जब हम पहले आए थे। तो चलिए एक बार चलते हैं। अब तो नहीं धो रहे हैं, पर जब यहाँ से जा रहे थे जब कुछ महिलाएं कपड़े भी धो रही थी अपने, और मेरे को बहुत सुंदर रिवर लगी थी, जैसे हमारे यहाँ बाण गंगा वगैरह है ना उस टाइप की। तो सोचा महाराष्ट्र की भी एक बार रिवर दिखाते हैं, तो भाग कर के आए हैं आपके लिए। वो भाग गई, कपड़े धो रहे हैं उधर, नहा रहे हैं लोग और पानी में जाएंगे एक बार। चलिए रुक जा, कुत्ता है नहीं तो। पर इसके अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जाने पर खतरा है। उस जगह गए थे पहले, हाँ पहले वहाँ गए थे, पर पानी नहीं था। इधर से किधर से पानी ज्यादा है, हाँ पानी ज्यादा है। हाँ किधर से जाए नीचे के लिए, उधर तो नहीं है रास्ता, उधर नहीं है। आ जा इधर ही, आ जा उधर, है कोई रास्ता नहीं है ना। चलो इधर से दिखाता हूँ, तो हमें उधर से जाना था नीचे। यहाँ पर ना बिल्कुल एकदम ऐसे टापू से बने हुए हैं कि जैसे कि उसमें आ गए हैं हम, हिमाचल में। चलो ये रास्ता है डेंजर। अब देखिए ये नदी का रूप है, छोटी सी पर होगी काई, इसमें है काई इस रिवर में। देखिए पानी कैसा बह रहा है ना, धोले देखिए साफ पानी है एकदम। और इस रिवर का नाम है योग नदी। देखिए ठंडा पानी होगा, हाँ ठंडा है, गर्मी लग रही थी, बहुत परेशान हो गए। आवाज़ कैसी आ रही है, पानी एक बार चेक करता हूँ। अरे हाँ ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी है। यह मकान वगैरह बने हुए हैं, पहले तो हम वहाँ थे, अब तो ये बहुत बढ़ गई है और अंदर गहरी तो ज़्यादा नहीं है। गहरी नहीं है, लेकिन वो है ना काई जम गई है। काई जम, हाँ ज़्यादा भी अंदर मत जाना कहीं। हाँ पैर रखते ही ऐसे जाता है, ऐसे जा रहा है। अच्छा अंदर नहीं जा रहा। आपके लिए यहाँ तक भाग करके आए थे बस दिखाने, मैं और जाऊँगा, नीतू बनाएगी वीडियो। सीना हो रहा है ना, पसीने से परेशान हो गए। वो पैर अंदर मत जाना है ना कि पापा, बहुत फिसलन है। चेहरा हाथ मुंह धो लो क्योंकि ठंडा पानी है। दोस्तों ये एक सुंदर सी नदी है, योग नदी इसे बोलते हैं। यहाँ पर योग नदी बहुत सुंदर है और बहुत तेज पानी है इसमें, क्योंकि वर्षा ज़्यादा हो रही है ना इस बार,
तो इस बार इसमें पानी ज़्यादा है। हम पहले आए थे तो इसमें पानी नहीं था इतना। ज़्यादा मत जाओ, गिर गए ना तो बचा ना पाऊंगी। गिर गए तो बचा ना पाऊंगी। अब मत जाओ ना। योग नदी इसी जगह पर जहाँ पर हम एक साल पहले आए थे। योग नदी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नदी। हाँ, अच्छा लगा यहाँ पर आके। दोस्तों हम ना लेट हो गए थे, काफ़ी दो सवारी थी उन्होंने, उनकी वजह से लेट हो गई। उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया हमें। नहीं, बहुत अच्छे से और ब्लॉग बनाते दिखाते आपको यहाँ पर। अच्छा, देखिए ज़्यादा अंदर मत जाना। नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं बचा पाऊँगा। मर गई तो लड़क जाऊंगी। दोस्तों आज हम आ गए हैं योग नदी पर। देखिए कितनी सुंदर सी प्यारी सी रिवर है, बह रही है और इतना तेज प्रेशर है इसका। बरसात ज्यादा हो रही है ना इस बार, तो पानी भी बहुत। आगे मत जा, आगे मत जा। नहीं है ना, यहाँ काई नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसा मत करो, नहा लूं। हाँ, लेट हो गए जब हम जा रहे थे, जब कपड़े धो रहे थे। आ जाओ, अब चलते हैं यहाँ से, काफी लेट हो गए। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर ना इस बिल्कुल जंगल में हमने मुंह भी धो लिया है अपना, और परेशान हो गए। ऊपर वाले ही ना, वो भी परेशान है, यानी कि हमारे साथ में जो भी घर वाले हैं या और भी जो सवारियाँ बैठी हुई हैं ना, वो लोग भी परेशान हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं। दोस्तों इसके पास में ना वैसे शमशान घाट है। पिछली बार जब हम गए थे ना, वो नहीं पिछली बार जब हम गए थे, जब शमशान घाट से होकर के निकल करके गए थे, और इस बार हम दूसरी रास्ते से आए। हाँ, इस बार दूसरी रास्ते से आए और वही हैं, ये पहले वाले हैं। ये पहले वाले ही हैं, ये मिले थे। नमस्कार जी, हम तो एक साल पहचाना आपने हमको। अगले साल आए थे, पिछली साल आया था। बिल्ली वगैरह जो थी आपके यहाँ? हाँ, नहीं अब नहीं गए क्योंकि वो ऑटो वाला, मतलब उस पर टाइम नहीं है टैक्सी वाले के पास, परंतु फिर भी हम यहाँ मिलने ही आए थे। पंकज कुमार बंदी, पंकज कुमार बंदी। तुम्हारे बच्चे सब अच्छे? हाँ, सब अच्छे हैं। सब वहाँ गाड़ी में खड़े हैं, सब गाड़ी में हैं, वो ऊपर गाड़ी में बैठे हुए हैं। और आप ठीक हो आप सब लोग? हम तो ऐसे ही मिलने आए थे कि एक बार पिछली साल जब आए, जब ये याद थी मुझे योग रिवर नदी के, योग नदी पर आएंगे। और कैसा चल रहा है इस बार? तो पानी बहुत है, पानी है। हाँ, चलो आपका काम वाम सही चल रहा है? चलो अच्छा है, ठीक है। ओम साई राम, है ना? ओम साई राम। फिर कभी सनी देवा? खाना पीना? अरे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कितना महाराष्ट्र के लोगों का कितना अच्छा दिल होता है। देखो खाने की तुरंत पूछ रहे हो, उन्होंने पहचान लिया। हम तो चार पांच सात लोग हैं, एक टैक्सी करके लाए। तो मैं अभी बना। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, वो सिरडी में खाएंगे, सिरडी में खाएंगे। ठीक है, अच्छा। ओम साई राम। अच्छा लगा मिलके, जब भी आएंगे आपसे मिलके। अगली बार आए तो तुम, अगले बार आए ना हमारे घर आ जाओ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। रात को और सुबह सिरडी को जाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे भी आते हैं। अब काफी लेट हो गए, वहाँ दो सवारी नहीं मिली थी सैनी सिग्ना पर, उन्होंने 3 घंटे लेट कर दिया हमको। हाँ। आराम से बच्चों को सबको लेके जाते हैं आपके वहाँ घुमा के लाते। हाँ। ठीक है, आएंगे, अगली बार आऊंगा, पक्का रुकूंगा आपके यहाँ। ठीक है, ओके ओके ओके। ओम साई राम। दोस्तों देखा, उन्होंने पहचान लिया। अब आपको लगा होगा ना, दूर से, हाँ दूर से ही हाई कर दिया उन्होंने और पहचान लिया उन्होंने हमको। तो आपको लगा ना पहले आए थे हम यहाँ पर महाराष्ट्र का गांव दिखाने। दूर था इनका घर, 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 किलोमीटर नहीं, 100 मीटर की दूरी पर है। हाँ, तो काफी लेट हो रहा है ना, इसलिए नहीं गए। लेट हो रहा है, बच्चे बच्चे सभी भूखे बोल रहे थे ना कि 5-6 लोगों का खाना मैं बना दूंगी, आ जाओ। हाँ हाँ, आप आ जाओ, मैं बना दूंगी। वैसे एक्चुअली में बताऊँ ना, ये जागरण वगैरह जो वो होते हैं ना, उसमें ये काम करते हैं लेडीज बनते हैं। वैसे हैं ये जेंट्स ही, परंतु लेडीज बनते हैं, साड़ी पहन करके रखते हैं। साड़ी पहन के, चूड़ी पहन के ही रहती है। हाँ, है ना, आदत हो जाती है फिर जो काम करो उसी। चलो चलो, पार ना कर पा रहा नदी है बेचारा, आ गया। चलो कोई नहीं, पर यहाँ भैंस पार करेंगी, भैंस खड़ी हुई है। चलो दोस्तों चलते, समझेंगे ना भाषा हमारी, ये नहीं समझेंगे। चलो चलते हैं दोस्तों, आ गए रोड पर वापस। ऑटो काफी दूर खड़ा है, बच्चे हो रहे हैं परेशान, चलते हैं।
मैंने सोचा कि जगह अच्छी है तो एक बार आपको दिखाते हैं। अब तो बिल्कुल काला काला हो रहा है क्योंकि धूप नहीं है ना। लोकेशन बहुत अच्छी थी, बहुत एकदम मन को शांति मिलती है जाके। बहुत परेशान हो रहे थे, हाथ मुंह धोया, थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ तो अच्छा लगा। और जिनके हम घर जाते वो हमको पहले ही मिल गए, मिल गए। देखो कुत्ता दिखाऊंगा आपको कैसे बैठा है। देखिए ये योग रिवर और उसमें देखिए कुत्ता ना नहाने के लिए आया है, गर्मी में ठंडक ले रहा है। भाग करके आया तो सांस फूल रही है। यहीं से गए थे। हाँ पहले हम इसको पार करके गए थे। लगाएंगे। हाँ क्लिप में के कैसे पार करके। देखिए कुत्ता बैठा है पानी में और गर्मी में आनंद ले रहा है पानी के। वो वाला सीन लगाएंगे कि हमने कैसे रिवर पार की थी। ये देखिए जो शमशान घाट है ना, अब नहीं कर पाए। ये है शमशान घाट, बिल्कुल शमशान घाट के किनारे है। पहले हम निकल गए थे उसके बाद में पता चला था कि हमको ये शमशान घाट है। चलिए दोस्तों पहले खाना खाते हैं, यहाँ पर ऊपर चलते हैं। वहाँ से आ गए सनी सिग्नापुर से, बहुत परेशान हो गए और रास्ते में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। फिर अब चलिए चलते हैं ऊपर, फ़ोन भी मेरा ज़्यादा चार्ज नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, तो अब चलते हैं ऊपर। दोस्तों आज प्रसादालय में लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। वो निकाल लिया इससे चश्मा निकाल लिया, पकड़ चश्मा ले लिया। और लाइन लगी हुई है, धीरे धीरे बढ़ रही है लाइन। और जब के शाम के बज रहे हैं साढ़े चार बजे खाना मिल रहा है। हाँ खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। दोस्तों कल वाला रूम हमने अब छोड़ दिया है, वो भी एक दिन के लिए बुक था हमारा 24 घंटे के लिए। और हम मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए शनि देव के, वहाँ पर हो गए हम काफ़ी लेट, तो हम पर डबल चार्ज लग गया रूम का। और आज मिला है हमें ये रूम, दूसरा रूम बुक था फिर हमारा, आज यहाँ पर मिला है हमें रूम। वही है, बेड वही सेम है तीन ऐसे ही, लेकिन व्यू थोड़ा आज अलग है हमारे उसका कमरे का। दिखाते आपको, देखिए नज़ारे कुछ ऐसे दिखेंगे यहाँ से हमारे कमरे से। बच्चे वगैरह झूल रहे हैं झूलों पर, सभी बैठे हैं यहाँ शाम को, ये देखते रहे वो बस यहाँ से, अच्छा लगेगा। दोस्तों इस समय बज रहा शाम के 7, लाइट वगैरह जल चुकी है। मैं शाम को ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हम बहुत परेशान हो गए थे, दिन में थक गए थे, घूमते घूमते महाराष्ट्र के कुछ गांव देखने के लिए गए थे। तो ये ब्लॉग शाम को स्टार्ट हो रहा है। और आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लग रहा है एक बार कमेंट करके बताना महाराष्ट्र के। एक बार मैं आपको ये व्यू दिखा देती हूँ कि सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमारे परिवार के भी बैठे हैं, मम्मी पापा बच्चे सब खेल रहे हैं। साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों शाम की आरती होना स्टार्ट हो गया है और देखिए शाम को कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं बादल। इस होटल में रुके हैं हम, यहाँ बच्चों का खेलने का लगा हुआ है। एक बच्चा तो दिखा देती हूँ आपको, ये हमारी बेटी आ गई है, इसको कुछ चाहिए, क्या चाहिए? फोटो, इसको फोटो खींचने पापा सब बैठे। दोस्तों शाम को यहाँ पर इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ में बैठते हैं आते हैं। और जो लोग दर्शन के लिए चले जाते हैं वो दर्शन के लिए चले जाते हैं, नहीं जाते हैं तो शाम को यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। हम भी थोड़ी देर के लिए बैठे हैं यहाँ पर और फिर हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। आरती के दर्शन तो नहीं करेंगे क्योंकि आरती तो वहाँ स्टार्ट हो गया है, और हम जाएंगे अब दर्शन करने के लिए, लाइन में लग के दर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से चल रहे हैं अपने जो गेस्ट हाउस है साईं बाबा का, उसमें से निकले और अब जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बस की लाइन में जाएंगे, बस की लाइन में जाएंगे, जब चलेंगे फिर चलो चलते हैं, लाइन में लगते हैं पहले। देखिए मीटू का नंबर सबसे लास्ट में आया था पर सबसे आगे खड़ी हुई है, मेरी वजह से आया। और जब बोल रही है कि मुझे छोड़ आई थी, आगे दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत सुंदर सुंदर होटल है वो दिखाऊंगा एक बार। देखिए दोस्तों ये है मधुबन होटल, और ये देखिए एक चीज़ है यहाँ मथुरा होटल भी है दोस्तों। ये देखिए होटल मथुरा, होटल मथुरा शिरडी के अंदर है। देखिए काफ़ी बड़ा भी है होटल, अच्छा है, गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है। और दिखाता हूँ अच्छी अच्छी सी, ये देखिए होटल अभिषेक, होटल अभिषेक और होटल बहुत सारे, यहाँ मैकडोनाल्ड वगैरह भी है। और ये देखिए रास्ता ये गई है अहमदनगर पुणे के लिए अब,
अब दोस्तों देखिए पहुंच गए यहाँ साईं प्रसाद मार्केट के बिल्कुल सामने, और बस आई है। बस में से देखिए सभी लोग उतर कर। चलिए दोस्तों आज रात में दिखाता हूँ मैं साईं प्रसादालय को। साईं प्रसादालय में पहले ये लोग जो है पर्ची वर्ची लेंगे, जब तक मैं दिखाता हूँ आपको, जब तक मैं दिखाता हूँ आपको ये जो साईं बाबा का कैसा सुंदर लगता है ना। हाँ नहीं उस दिन था ना, तो अब देखते हैं रात में कैसा लगता है। बाहर जाने या चा मार्ग पहले इससे जाते थे, अब तो दूसरा बना दिया है। ये देखिए साईं बाबा का निकल रही है थोड़ी थोड़ी सी निकल रही है। ये देखिए साईं बाबा का रात में ये देखिए कितना सुंदर लगता है ना। नहीं तो हाँ पहले फोटो खींचने का पहले है मेरा ये पीले सूट में। हाँ फेसबुक पर डाला है। ये देखिए ये है ना सुंदर लग रहा है ना। अब चलो आकर के खींचेंगे, पहले चल रहे हैं। चलिए दोस्तों पर्ची ले लिए और अब यहाँ से चलते हैं, लाइन में लगते हैं क्योंकि अब ज़्यादा लाइनों में नहीं चला, तो एक लाइन में भी नहीं चला रहे हैं, डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं यहाँ से। तो चलिए पर्ची मिल गई है और चलते हैं। अब ये देखिए अंदर से दिखाता हूँ एक बार, उस दिन पहले भी दिखाया है मैंने ये, पर जब दिन था, अब रात का समय रात में दिखाता हूँ। ओम साई राम। चलिए ये है प्रसादालय साईं बाबा का भी, देखिए कितना एक बार पूरा राउंड करके दिखाता हूँ मैं आपको। कितने लोग बैठ जाते हैं, दे रहे हैं खाना सबको। तो दोस्तों अब ये और नमकीन वगैरह देने के लिए आ रही है और कुछ और भी सामान है इधर से आ चुका है खाने का। और ये देखिए नमकीन वगैरह दे रही है। नमकीन वगैरह है सर, नमकीन ये क्या चीज है? कोबरा। अच्छा अच्छा बहन जी बता के देना, कोबरा है ये नारियल नहीं है, ये तो मिर्ची का। हां कोबरा है नारियल का। मेरा चावल मत लियो, चावल इसको मत दे, दाल सब्जी तीन तरह का होता है। हां तीन तरह की होती है। देखिए दोस्तों खाना आ गया है हमारा, देखिए रोटी है, ये हलवा है, ये आलू की सब्जी है, ये कोई राजमा जैसी सब्जी है, और ये चावल है, बैंगन की सब्जी है। चलिए खाते हैं। ओम साई राम। चलिए दोस्तों खाना पीना खा करके आ गए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सामने वाले मार्केट में, राहता तहसील राहता जिला अहमदनगर। हाँ ऐसे भी भाग सकते हैं, तो पुलिस मतलब स्टेशन का नंबर वगैरह दे रखा है। दक्ष नागरिक बना यानी कि आइसक्रीम खिला दो। हाँ आइसक्रीम खाएगी। चल यहाँ से निकल कर एक घोड़े पर बैठे। चलिए ये देखिए पहुंच गए आइसक्रीम की दुकान पर, खा रहा है आइसक्रीम। देखिए पान ऐसे होते हैं यहाँ पर, ये देखिए हाँ बर्फ जम रही है, सभी बर्फ जम रही है पूरी। मम्मी आप ये देखिए ओ मां रे हां हां ये देखिए चॉकलेट की लेके आई है, वाह सीढ़ी में। और इसकी भी है, इसकी तुरंत तो उस दिन भी यही खाई थी, यही अच्छी लगती है। टेस्ट चेंज कर दी नहीं। और ये लेके आया है सामान काला खट्टा ऑरेंज, तोड़ लेगी मम्मी को अच्छी लगती है। चलो सही है। देखिए दोस्तों अब यहाँ मैंने मेरे को भी हिलाने दे दिए ये वाली आइसक्रीम जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ना, मैं भी खा रहा हूँ, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मेरे को अच्छी नहीं लगती। स्ट्रॉबेरी नहीं रास्पबेरी है, रास्पबेरी। दोस्तों यहाँ आइसक्रीम भी हमने ले लिया और खा रहे हैं, फिर उसके बाद में कुछ शॉपिंग वगैरह भी करेंगे तो वो देखेंगे शॉपिंग वगैरह। सुमंत ने आइसक्रीम नहीं ली थी इसलिए तो पेप्सी मिरिंडा वगैरह माजा जैसी वो ले ली थी, पर अच्छी है रियल में खाने में ना टेस्टी लग रही है। और हम खड़े हैं बिल्कुल साईं बाबा का जो प्रसादालय है उसके जस्ट सामने,
आइसक्रीम इतनी ठंड नहीं है यहाँ पर महाराष्ट्र में।